नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ चमन अंडर 16 भारतीय फुटबॉल टीम के उभरते हुए खिलाड़ी। तो सबसे पहले चमन जी, आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार भैया, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो चमन जी, आप ये बताइए, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं और आप किस गाँव से हैं? मेरी फैमिली में 4 सदस्य है, एक मुझसे बड़ा भाई है और एक मेरे मम्मी पापा है। आप किस गाँव से हैं? मैं महम से बिलोंग करता हूँ। तो चमन जी, आप ये बताइए, आपने फुटबॉल की शुरुआत कब और कहाँ से की? क्योंकि महम में फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ से शुरुआत की 2016 में। तो आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं? हमारे बेसिक कोच विकास, जो कि खेड़ी के हैं, उन्होंने हमारी स्टार्टिंग करवाई फुटबॉल के लिए। तो आप किस खिलाड़ी को आइडियल मानते हो फुटबॉल में? मैं रोनाल्डो को अपना आइडियल मानता हूँ। आप रोनाल्डो को आइडियल क्यों मानते हो? उनमें से क्या खूबी है? उनकी स्पीड, स्टेमिना और उनके गोल और उनका मैच देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप ग्राउंड पर किस पोजीशन पर खेलते हो? मैं ग्राउंड पर राइट फुल बैक डिफेंस में खेलता हूँ। आपने डिफेंस की पोजीशन क्यों चुनी? मैं स्टार्टिंग से ही डिफेंस खेलता था और हमारे जो विकास भैया है वो भी हमारे डिफेंस खेलते थे, जो राइट बैक फुल बैक, उन्होंने ही हमें राइट फुल बैक खेलना सिखाया। तो आपने फुटबॉल खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं फुटबॉल खेलने की प्रेरणा हमारे घर में स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स था, जिससे हमारे ताऊ जी है वो भी स्पोर्ट्स कोटे से ही पुलिस में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें रेस स्टार्ट करनी चाहिए। रेस मैंने देखा स्टेडियम में जाके कि यहाँ पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि मैं फुटबॉल खेलूं, और इसलिए मैंने स्टार्ट की 2016 में फुटबॉल। तो आपने अपने ताऊजी से ही फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिली? या हाँ भैया, मैंने मेरे ताऊजी से ही स्टार्टिंग की है। उन्होंने कहा कि रेस स्टार्ट करो, और मैंने वापस जाके विकास भैया से बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं सिखाऊँगा फुटबॉल खेलना, और तुम यहाँ पे रेगुलर आया करो। मैं वहाँ पे रेगुलर जाने लगा, जिससे मैंने 2016 से स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना। आपकी फेवरेट फुटबॉल क्लब टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम मिनरवा पंजाब FC है, जो कि मैं स्टार्टिंग में मैंने ट्रायल वहीं पे दी थी। मैं 2 साल वहीं पे रहा था, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ के डायरेक्टर रंजीत बजाज है, और वहाँ के कोच और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, और वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका पहली बार इंडियन टीम में सिलेक्शन कब हुआ? मेरा इंडियन टीम में 15 नवंबर 2019 को कॉल आया था, जो कि मैंने 15 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया था इंडिया टीम में, जो कि गोवा में कैंप चल रहा था, जब मैंने वहाँ पे 15 नवंबर को 2019 में स्टार्ट किया। और आपके पास कोई कॉल आया इंडियन टीम से, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपने सबसे पहली बार किसको बताया? कोच को बताया, माता पिता को बताया? मैंने सबसे पहले मेरे कोच जो विकास भैया है, मैंने उसको बताया, और मैंने बहुत ही खुशी के साथ बताया कि उनको कि मेरा इंडिया टीम से कॉल आया है, और वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत बधाई दी मुझे। और उसके बाद मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली। और अब कैसा लग रहा है, आप इंडियन टीम में खेल रहे हो? तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपनी इंडिया टीम अंडर 16 में खेल रहा हूं, और यह हमारे हरियाणा के भी गर्व की बात है, जो कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मुझे फैमिली का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, इससे मैं बहुत खुश हूं। नेशनल टीम में जाकर कुछ अलग सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे टेक्निक, पासिंग, बहुत कुछ। टेक्निक में भी मेरा बहुत सुधार आया, और मुझे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला इंडियन टीम में जाके। तो आप इंडियन टीम में खेलते हो,
तो वहाँ पर सीनियर खिलाड़ी हैं, तो वहाँ पर आपसे मिलते भी होंगे, तो वहाँ पर अलग टेक्निक सीखते हो? हाँ, हमें वहाँ पे आईएसएल के मैच दिखाने के लिए भी ले जाया जाता था, और हमें वहाँ पर बहुत कुछ हमारे जो सीनियर थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जैसे हम उनके लाइक उनके मैच देखते थे, जिनमें हम अपनी पोजीशन के प्लेयर को देखते थे कैसे वो खेल रहे हैं, कि किस टाइम पे किस पोजीशन पे है, और कैसे उनकी पासिंग है, कैसे वे थ्रू बॉल डाल रहे हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और आपका नेशनल टीम में पहला मैच कैसा रहा? मेरा नेशनल टीम में पहला मैच बहुत ही अच्छा रहा था, जो कि हमारा गोवा अंडर 18 टीम के साथ मैच था। उसमें मेरा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिससे कोच भी बहुत प्रसन्न हुए थे मेरा मैच देख के, और मुझे भी बहुत प्रशंसा हुई थी कि मैं इंडियन टीम में खेल रहा हूँ। तो आपने कभी क्रॉस मारते हुए गोल किया? मेरा मिनरवा में जब मैं ट्रायल पे था, तो मैंने क्रॉस डाला और जिससे कि कीपर आगे आया और मेरा बॉल पीछे गया, क्रो हो गया, जिससे मेरे सेकंड पोस्ट में बॉल गई थी, तो जिससे मेरा गोल हुआ था। आपको उस समय कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत प्रशंसा हुई कि मैंने ऐसा गोल किया, और कोचेस भी बहुत प्रसन्न हुए उससे मेरी ट्रायल देख के, जिससे ट्रायल में वो क्रॉस भी मेरा बहुत भागीदारी रहा। तो आप जैसे आप मजबूत टीम से कोई मैच खेलते हो, शुरुआती 2 मिनटों में आपकी फिजिकली मेंटली स्थिति कैसी रहती है? स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रेशर होता है मजबूत टीम के साथ, थोड़ा प्रेशर तो रहता है कि यह बहुत मजबूत टीम है, थोड़ा डिफेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, और हमें बाद में बहुत प्रेशर के साथ खेलना पड़ता है और डिफेंस भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है, और हमें फिर भी हमें लगा रहता है कि हम मैच जीतेंगे, हमें बहुत माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है कि हाँ हम जीतेंगे, कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग टीम है, हम जीतेंगे। फिर भी जैसे मैच टाई हो जाता है, जैसे एक एक का स्कोर रहता है, और आखिरी मिनटों में जैसे कोई टीम गोल कर देती है, तो गोल करने के बाद आपकी टीम पर कितना दबाव रहता है और कैसे कंट्रोल करते हो दबाव को? दबाव तो बहुत हो जाता है टीम पे जब एक स्कोर आगे हो जाती है टीम में, जब और हम उसको बहुत जल्दी गोल दोबारा करने की हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, जिससे हमें बहुत और एक्स्ट्रा जो हम एंड्रेड है उससे 200% ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं कि हम और गोल ज़्यादा करें और उनसे विन करें मैच। जैसे आप स्टेमिना और फिजिकली फिट रहने के लिए ग्राउंड से अलग कुछ प्रैक्टिस करते हो? हाँ, मैं जैसे जिम हो गया और इधर कोर, प्लैंक, पुशअप, ये अलग से अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मैच प्रैक्टिस के बाद भी एक हाफ आवर्स या 1 आवर्स अलग से करता हूँ। जैसे आप 4 साल से गेम खेल रहे हो, तो आपको गेम खेलते हुए आपकी फिटनेस के बारे में कुछ फ़ायदा लगा कि हमें गेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत ही पहले थोड़ा सा अनफिट था, फिर मैं गेम जैसे जैसे स्टार्ट किया तो मैं बहुत फिट हुआ और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, योगा, और इससे माइंड भी फ्रेश रहता है, और ना ही किसी गलत संगत में, जैसे अभी तो गलत संगत में जल्दी बढ़ जाते हैं, और नहीं हमें गलत संगत में बढ़ने की उसमें रहता है, बस प्रैक्टिस या ग्राउंड, ये दो ही काम रहते हैं हमें, और बस डाइट, प्रैक्टिस और ग्राउंड। अपने डाइट की बात की है, डाइट में क्या क्या लेते हो? डाइट में अपना जो देसी है, चना दाल और जो अपना सोयाबीन, रोटी, दूध, दही, और यही अपनी डाइट है। आप दिन में कितने घंटे अभ्यास करते हो? मैं दिन में सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे मेहनत करता हूँ। आप नेशनल टीम के कैंप में जाते हो,
वहाँ पर प्रैक्टिस करते हो और जैसे आप गांव में प्रैक्टिस करते हो, उसमें कुछ डिफरेंस लगा? हाँ, गांव में मतलब खुद ही प्रैक्टिस करते हैं और बहुत कुछ कैंप में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अच्छी प्रैक्टिस भी होती है और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का भी मन करता है कैंप में और बहुत कुछ कोचेज भी स्टाफ का भी सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। आप टीम के साथ कैसे तालमेल बनाते हो खेलते हुए? मैं टीम के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बनाता हूँ और टीम के साथ मेरा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं टीम के साथ पासिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, मतलब प्लेयर टू प्लेयर बहुत अच्छा संबंध है मेरा। जैसे आप मैच में कोई गलती कर देते हो, गलती ठीक करने के लिए क्या करते हो? मैं गलती ठीक करने के लिए दोबारा उस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए दोबारा उस चीज़ पे मेहनत करता हूँ कि मैं इस चीज़ को दोबारा परफेक्ट कर सकूँ। और आप फ्री टाइम में क्या करते हो जब फ्री टाइम मिलता है तो? मैं फ्री टाइम में मैच के बारे में सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने मैच को इम्प्रूव करूँ और कैसे अपने गेम को और अच्छा कर सकूँ मैं। इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम में अपने मैच को बारे में सोचता हूँ कि मैंने किस टाइम पे क्या गलतियाँ की और उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ और अपनी जो इंडिया टीम है मैं उसको, जो अपनी सीनियर इंडिया टीम है मैं उसमें सेलेक्ट होके और अपनी टीम को वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में विन करवाना चाहता हूँ। तो चमन जी, ये बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करो और अपने देश का भी अच्छे से नाम रोशन करो और आप भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के लिए खेलो और उसको वर्ल्ड कप जिताओ। आप जूनियर फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी बहुत मेहनत करें और अपनी इंडियन टीम को आगे बढ़ाने में और सपोर्ट करें। तो दोस्तों, चमन एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी छोटी उम्र में भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेल रहे हैं, चमन ने इतनी छोटी उम्र में मेहनत की है, मेहनत के साथ ही इन्होंने भारतीय टीम के लिए जगह बनाई है और आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। इन्होंने भारतीय टीम में खेलना और भारतीय टीम को फुटबॉल का विश्व कप विजेता बनाना है। तो चमन जी, आपने इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं को और अपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी युवाओं को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।